अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम कुछ अजीबोगरीब खबरें लेके आए हैं। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स में आपको मिलेगा कि कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस के बावजूद अमेरिका रूस एक दूसरे से फड्डा करने में लगे हुए हैं और बहुत कुछ। तो पहली खबर ये है कि कोविड साउथ अफ्रीका पनिश्ड फॉर डिटेक्टिंग न्यू ओमिक्रॉन वेरियंट। और अगर आप ये सोच रहे होंगे साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका मुल्क है, गरीब है, ओ भाई आप लोग गरीब हो, साउथ अफ्रीका गरीब नहीं है। साउथ अफ्रीका G20 स्टेट्स के अंदर आता है। साउथ अफ्रीका पढ़ा लिखा मुल्क है। तीसरी चीज, ब्रिक्स जैसी जो एक तंजीम है जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना, उसमें साउथ अफ्रीका लास्ट में आता है। बड़ा पैसा है और सोना यहाँ पे अन्य वहाँ बिकता है। यहाँ पे सोने की काने हैं, बहुत ज्यादा काने, तभी तो साउथ अफ्रीका इतना अमीर हुआ है। साउथ अफ्रीका सिर्फ काले हैं लेकिन वो पढ़ने लिखने में भी बहुत आगे हमसे, और वैसे भी वो हमसे बहुत एडवांस है। तो वहां पे अब ये एक नया वेरिएंट आ गया और मुझे ये लग रहा है कि ये कोरोना भी नहीं जाने वाला, ये 5-7 साल लगाएगा। हर साल सर्दियों में ये कोई ना कोई नई वेरिएंट आएगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जिन लोगों को ओमिक्रॉन का नहीं पता, तो ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है ओमिक्रॉन। ग्रीक अल्फाबेट जैसे कि अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, कापा है, लोटा है, ओटा है, थीटा, थीटा, ईटा है वगैरह वगैरह, एप्सिलॉन वगैरह। ये ज्यादातर साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके मैथ्स में आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि इनको ग्रीक लेटर्स ही मिल रहे हैं, यानी कि इतनी ज्यादा जुबानों में इनको ग्रीक मिल रहा है। ये कौन सी साइंस की क्लासेस चल रही हैं कि जो इनको ग्रीक ही मिल रहा है। और कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि यस छुट्टी अब फिर से ये होगा, यानी कि स्मार्ट सिलेबस। देखो स्मार्ट सिलेबस और छुट्टियाँ तब तक नहीं आएंगे जब तक पाकिस्तान में 3,500 से 4,000 केसेस नहीं आएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा टाइम है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी हो रही है। और ये मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ पर्सनल, अगर इस दफ़ा इन्होंने स्कूल बंद कर दिए तो जो तालीम का नुकसान हुआ है वो इतना नुकसान होगा जो शायद हम अगली एक दिहाई या दो दिहाई या गलबन 10 दिहाइयों में उसका अजाला ना कर सके। क्योंकि जिन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, जिन्होंने सेकंड ईयर का रिजल्ट इस साल आया ना, अब उनसे जाके पूछे कि क्या हालात है आपके। अगली खबर जो है वो बड़ी ख़तरनाक मुझे लग रही है कि देखिए, US फॉरन पॉलिसी जो है ना इस टाइम वो दो ममालिकों के गिर्द घूम रही है, एक रशिया एक चाइना। बाइडन सुबह उठता है, रशिया से स्टार्ट करता है, चाइना पे दिन ख़त्म होता है। चाइना से दिन स्टार्ट करता है तो जाके आपका ये रशिया पे जाके दिन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अमेरिका को इस टाइम दो दुश्मनों से लड़ना पड़ा और दोनों तगड़े हैं। चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और मिलिटरी लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी सुना है कि चाइना ने ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम ना लिया जो कि S-400 से भी तगड़ा है। खबर ये है कि ऑल ऑप्शंस फ्रॉट विद रिस्क एज बाइडन कन्फ्रंट्स पुतिन ओवर यूक्रेन। ये असल में फड्डा है, ये वो फड्डा था जो कि USSR के वक्त से चल रहा है और आज तक चल रहा है। देखिए इस टाइम आपको पता है जो यूक्रेन है वो USSR के टाइम से उसका एक फड्डा था। और मैं आपको ये बताऊँ, यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ USSR, अब भी जो रशिया है वो यूक्रेन को नहीं छोड़ रहा। अच्छा यहाँ पे क्या है, यूक्रेन जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि सुपर पावर से उसका है। अच्छा अब मैं आपको ये बताऊँ, यूक्रेन, ताइवान, जापान, ये वो ममालिक है जो कि अमेरिका के बहुत करीब, और ये समझते हैं कि हम वो अमेरिका के बहुत दिलदादा हो गए हैं, बहुत तगड़े हैं हम। और अमेरिका सिर्फ, ये शायद आपको नहीं पता, अमेरिका मफादी मुल्क है। जापान इसीलिए है क्योंकि जापान का चाइना से थोड़ा सा बहुत आज से नहीं अजल से इन दोनों की दुश्मनी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, अजल दुश्मनी, जैसे पाकिस्तान इंडिया दिखते एक जैसे हैं लेकिन अजल से दुश्मनी हमारी, हमारी तो नहीं है, वो मोदी है जो रखना जाता है। हम तो आज भी मोदी को कहते हैं कि देखो मोदी तुम 370-35 का आर्टिकल खत्म कर दो, दुनिया के कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो इस टाइम अपने फुल स्विंग में चल रहे हैं। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी खबर मिली तो सोचा मैंने इसको अपनी वीकली गॉसिप्स के अंदर मैं इसको शेयर कर दूं। मीट द लास्ट ऑफ द 2 ऑफ द टेंजानियन पीपल हु कैन टॉक टू बर्ड्स। एक ट्राइब है कबीला हजा, ये कबीला जो है ये परिंदों से बात कर रहा है। देखिए जो टेंजानियन पीपल्स हैं या जो अफ्रीकन पीपल्स हैं, ये सारी ज़िंदगी जानवरों के साथ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इनको पता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल की बात बताऊं, जो लोग कुत्ते पालते हैं या जो बिल्लियां पालते हैं या जो भी कोई पालतू जानवर पालते हैं बचपन से, यानी कि छोटा बच्चा लेते हैं और जब उसको बड़ा करते हैं, मैं आपको कुत्ते की मिसाल देता हूँ क्योंकि वो वफादार भी है ज़रा। तो आपने कभी चीज़ देखा होगा कि वो जो मालिक है वो इशारे करता है वो कुत्ता समझ आता है, इसका क्या मतलब है, कुत्ते ने पढ़ाई की है। वो इंटरेक्शन ऐसी हो जाती है, ऐसी आपस में इंटरेक्शन हो जाती है कि वो एक दूसरे को समझ लेते हैं। इवन बिल्लियाँ भी काफ़ी, आप ट्रेन करें ना, बिल्लियाँ भी ट्रेन हो जाती हैं। तो ये जो इस तरह के लोग जो ये सारी ज़िंदगी जानवरों से बता ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी लाइफ है ये, और ये कुछ जानवर पालते भी जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से, देखिए आप एक कुर्बानी का जानवर लेके आए 10 दिन पहले, तो जब ईद का दिन होता है तो आपकी उससे कुर्बत बढ़ जाती है, आप समझना शुरू हो जाते हैं उस जानवर को, आपको मोहब्बत हो जाती है। तो ये ऐसी कुछ रिलेशन अल्लाह ताला ने कायम किए हैं। और यह है कि न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन,
इकोनॉमिक कॉपरेशन विद रशिया ऑन द कार्ड्स। तो याद है जब सर्गेई लावरोव इधर आए थे तो उन्होंने ब्लैंक चेक पाकिस्तान को दिया था, तो उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था, उन्होंने कहा था जो आपको हमसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, सफारती तालुकात पे, सफारती महाज पे। इस तरह के अल्फाज बोलना ये गोल्डन मार्क होते हैं, और ऐसी सुपर पावर जैसा मुल्क जो किसी दौर में सुपर पावर था वो बोले, बात होती है यार। तो उन्होंने पासा स्टील मिल मिलाई थी 1960s में, जो वो सारे बाद बैंक करप्ट हो गई, टूट गई, तो उन्होंने कहा था कि हम दोबारा इसको रीन्यू करेंगे। मैंने कहा सो बिस्मिल आप आए। रूसियों के पास बेहद गैस है, बेहद गैस है, उनके पास इतने ज़्यादा गैस के ज़खायरे जितनी उनकी आबादी नहीं है। आबादी उनकी कुछ 14 मिलियन है, 14 करोड़ है, 15 करोड़ से कुछ कम उनके बाद ही है, लेकिन गैस उनके पास बहुत है। तो वो अब गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं जो कि सेंट्रल एशिया भी यूज़ करेगा और पाकिस्तान भी यूज़ करेगा। तो पाकिस्तान पूरी एशिया का गोल्डन गेट बनने जा रहे हैं, लेकिन ये अभी नहीं बनेगा, 2022 में नहीं, ये बनेगा बहुत जल्दी भी करेंगे तो मिड ऑफ दिस डेकेड या इस दिहाई के बिल्कुल आखिर में ये मतलब पाकिस्तान गोल्डन गेट बनने वाला होगा, ये बन जाएगा। आप जरा अपने खित्ते की ममालिक के जरा ताल्लुकात देख लें, हिंदुस्तान और इसराइल को छोड़कर बाकी सबसे आपके ताल्लुकात बेमिसाल हैं। ये आपकी खारजा पॉलिसी है, सिर्फ महंगाई ही सब कुछ नहीं होती, ठीक है, आपने अपने मुल्क में बहुत चीज़ें सस्ती आप बेच रहे हैं, हर बंदे साहब फटा करके बैठे हैं, कोई आपको चीज़ बेचने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे आप? एब्सोल्यूट फिर क्या होगा, फिर एब्सोल्यूटली आप फिर चीज़ें महंगी करोगे। ये अभी पूरी दुनिया में वबा आई, अब दोबारा जो मैंने आपको बताया है कि ओमिक्रॉन वेरियंट आया है, इससे दुनिया को और धचका लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राडा मेरे माइंड पर, टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ, कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन, कल तक बंजर पड़ा था ये साउंड क्लाउड, आजकल ग्राम मॉडल्स मांगती है शाउट आउट।